थिंक शुक्राना टू गुरुजी फर्स्ट. गुरुजी के हुक्म से ही हम लोग कनेक्ट होते हैं और सीमा आंटी से अभी रिसेंटली ही कनेक्शन बना है. और ये सब जो डिसाइड करते हैं वो सब गुरुजी के हुक्म से ही होता है, अदरवाइज हम लोग सब दूर दूर बैठे हैं, कनेक्ट होना तो पॉसिबल ही नहीं है. और गुरु प्यारी संगत को यू नो जय गुरुजी. बहुत ही रिसेंट जर्नी है गुरुजी के साथ और पहला सत्संग जो शेयर करूँगा वो ये है कि जब सारे डोर्स क्लोज हो जाते हैं तो गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि मैं नवा डोर खोलांगा तेरे लिए, तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ. सो दिस इज द फर्स्ट सत्संग. इंडिया गया था मैं 2018 में विजिट के लिए, और उससे पहले 2012 में एक फ्रेंड था, उसने एक रेस्टोरेंट इंडियन कुजीन ओपन किया टैंपा में और उसको हेल्प चाहिए थी. एंड ही सेड भैया आप हम मेरे साथ आ जाओ, यू नो आई वर्क फॉर US गवर्नमेंट, आई वर्क फॉर काउंटी गवर्नमेंट, और बिजनेस में कुछ ABCD मालूम नहीं थी, बट एक फ्रेंड को हेल्प करना है तो हेल्प करने चले गए और पार्टनरशिप हो गई. स्टार्टेड द बिजनेस, वॉज डूइंग ऑल राइट, बट सडनली ही स्टार्टेड चीटिंग ऑन मी एंड आई डिडंट नो. वन डे माई मैनेजर टोल्ड मी, बिकॉज मैं तो अपने ऑफिस की जॉब करता था और ज़्यादा बिजनेस पे होता नहीं था, सो ही वॉज चीटिंग एंड आई डिडंट नो एंड माई मैनेजर टोल्ड मी. और उसने काफ़ी गड़बड़ करी एंड काफ़ी डेट्स भी हो गए बिजनेस के ऊपर और पेमेंट्स भी नहीं हुई. एंड देन ही जस्ट गॉट कॉट एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम ही सेड ही डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग एंड ऑल दैट स्टफ, बट देन इन अ नटशेल ही जस्ट लेफ्ट द टाउन एंड ऑल द डेट्स केम ऑन टॉप ऑफ मी. सो दैट वॉज लाइक अ बिग ब्लंडर, यू नो इट इज़ नॉट ईजी टू हैंडल दैट, स्पेशली वेन यू आर नॉट अ बिजनेस मैन. But again, everything came on me because I'm a US government employee and I'm working, I stay here with my family. So it was like kind of a very rough time. On top of that, 2014 May, I got a new manager in the office and it was not working out really well with her. And she was non-technical and she was not understanding my issues, the technical issues, but you have to do it. So it was not going very well. So I had like, one side I have business, you know, failure and cheating and a lot of debt on me now to take care. On the other side, office work was really bad and every day, I was having a hard time with my boss. So, bahut tension us samay 2012 onwards till 2018 mein India gaya and India mein jab pahuncha to घूमना फिरना हुआ. फिर एक दिन प्लान बना कि हमें गुड़गांव जाना है तीन लोगों से मिलने के लिए, थ्री फ्रेंड्स फैमिली से मिलने के लिए. मेरी जो भाभी हैं उनकी मॉम जो हैं वो गुरुजी को मानती हैं और जो मेरी कज़न सिस्टर टोरंटो में रहती है वो भी गुरुजी को फॉलो करती है, लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम नहीं. तो भाभी ने बोला कि यू नो अब हम गुड़गांव जा रहे हैं तो हम लोग पहले बड़े मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं. Can you unmute yourself? Oh, I didn't know that I got sorry. I didn't mute myself, but it happened automatically. Yeah, I guess. I was trying to do others, but it never mind. Continue. Sure. So plan ये बना कि हमने गुड़गांव जाना है, पहले हम बड़े मंदिर जाएंगे, मत्था टेकेंगे और उसके बाद हम आगे फिर गुड़गांव फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जाएंगे. And we started going, and it was June 25th 2018, and it was hot like. Kind of like 46 degrees, 47 degrees in Delhi, and like 110 degrees, you know, and too hot. और जब हम लोग जा रहे हैं तो भाभी ने कहा कि you know अगर हम लकी रहे तो हो सकता है कि जो पार्किंग बिल्कुल बड़े मंदिर के फ्रंट में है वहाँ पर मिले, अदरवाइज हमारे को शटल सर्विस लेनी पड़ेगी और कई बार लाइन इतनी लंबी होती है कि you know we had to wait for like half an hour, 40 minutes, maybe 1 hour. So we will see what happens. तो मैं तो पहले ही डर गया कि एक तो फर्स्ट टाइम इंडिया गया मैं, समर में कभी जाता नहीं हूँ और उस पर अगर मेरे को रोक लिया और शटल सर्विस लेनी पड़ी और फिर लाइन में लगना पड़ा तो मारे जाएंगे. तो गुरुजी के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, बट आई जस्ट प्रे टू गुरुजी अगर आप हो तो हमारी कार कहीं ना रुके और सीधा जो आपका मेन गेट है उसके बाहर जो पार्किंग है उसमें प्लीज हमारी गाड़ी रोकना, क्योंकि ये तो बहुत गर्मी है. आई डोंट थिंक आई कैन स्टैंड एंड ऑल दैट स्टफ इन लॉन्ग लाइंस एंड ऑल दैट. और जैसे कि आई थिंक हम लोग सब जानते हैं आपके दिल में जो होता है गुरुजी फट से सुनते हैं. और आप बिलीव नहीं करोगे, मंडे का दिन था, गुरुजी का दिन है मंडे, एंड इट गेट्स पैक्ड राइट, एंड नोबडी, नॉट इवन अ सिंगल सेवादार ऑन द वे स्टॉप्ड आवर कार.
So our car just parked right in front of Bade Mandir, the parking, and I was like, thank you Guruji, you know, nahi to main garmi mein mara jata. और गुरुजी की ऐसी कृपा कि जब हम गए तो हमारे आगे आई थिंक मे बी 20 या 25 लोग होंगे, संगत होगी, एंड दैट्स इट. सो वी जस्ट वेंट टू इनसाइड द मंदिर, नो इश्यूज एट ऑल. बट उस दिन उस वक्त आई थिंक जो जो मेन हॉल है, दरबार है गुरुजी का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो उन्होंने वो बंद कर रखा था. और गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप बाहर जो बालकनी टाइप है बाहर फ्रंट में, फ्रंट पोर्च जो है वहाँ पे बहुत बड़ा स्वरूप लगा रखा था और गुरुजी का सिंहासन था. सो दे वर जस्ट मेकिंग एवरी ऑल संगत सिट राइट देयर, यू नो, इन द फ्रंट पोर्च. और हम भी वहाँ पे मत्था टेक के बैठे. और यू नो, और धूप इतनी है और धूप में गर्मी भी लग रही है, बट 10-15 मिनट बैठने के बाद जब कोई आया नहीं, यू नो, और सिंहासन खाली है गुरुजी का और कोई आ नहीं रहा, तो मैंने भाभी से पूछा, यू नो, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग, आई सेड, भाभी ये गुरुजी कब आएंगे, यू नो, हम तो 15 मिनट से बैठे, इतनी धूप है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, तो गुरुजी कब आएंगे. देन शी सेड दैट, यू नो, इन 2007 गुरुजी लेफ्ट द चोला, यू नो, द फिजिकल फॉर्म, एंड he's omnipresent now, and he is sitting right there and watching, you know, watching you. I said, oh really, oh okay. और आप ये सोचो कि 5 मिनट के लिए आंखें बंद करी और ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऊपर आइस कोल्ड बकेट ऑफ वाटर जो है वो डाल दी है बेसिकली. और जितनी मेरी टेंशन थी, मेरे बिजनेस लॉसेस की, मेरे बिजनेस डेट्स की, और मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है, सडनली गुरुजी ने ऐसा कूल डाउन कर दिया उस आइस बकेट से कि मतलब ऐसा लगा कि लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है. और इतनी गर्मी थी, 46 डिग्री था, कुछ पता नहीं है कि गर्मी लग रही है या नहीं लग रही. आई वॉज लाइक एट पीस बेसिकली, एंड दैट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ फीलिंग विच इज आई कैनॉट एक्सप्लेन, बट इट फेल्ट लाइक एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. एंड जो वाइब्रेशन थी वहां पे इतनी पॉजिटिव थी that, you know, I felt that, you know, this is the place where I felt this kind of vibrations. I never felt anywhere. Even though, Vaishno Devi गया हूँ मैं कई बार, माता ने बुलाया, चिंतपूर्णी माता के यहाँ पे गया हूँ, ज्वाला जी गया हूँ, like lot of places, you know, like I have been to, but जो vibrations वहाँ पे feel हुई, जो मतलब एक divine power वहाँ पे feel हुई, मुझे कहीं feel नहीं हुई. फिर हम लोग लंगर प्रसाद के लिए गए, और मंडे को वहाँ पे लंगर प्रसाद नहीं होता है, सिर्फ चाय प्रसाद होता है, तो चाय प्रसाद लिया, पकौड़ा प्रसाद लिया, और हम लोग फिर गुड़गांव चले गए फ्रेंड्स के पास, रात को वापस घर आ गए. तो एक ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि देयर वॉज समथिंग डिवाइन, वेरी पावरफुल, एंड आई केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट दैट. फिर हम लोग 11th of July को वापस आ गए यूएस. यूएस आने के बाद हम लोग लाइक मैं और मेरा बेटा यू नो वापस आए हम लोग, और वाइफ मेरी इंडिया में थी, तो मैंने सोचा कि अब बड़े मंदिर मत्था टेका है हमने, मुझे गुरुजी के बारे में क्यूरोसिटी है, क्योंकि गुरुजी आपको पता है लाइक इतने बड़े मैग्नेट हैं, आप एक बार उनके चरणों में जाओगे तो आप कहीं और जा ही नहीं सकते, आपका ध्यान कहीं और लगता ही नहीं है. तो मैं वापस आया तो मैंने यूट्यूब पर सर्च मारा गुरुजी सत्संग एंड ऑल दैट स्टफ. तो सबसे पहले सत्संग मिला जेठाड़ा अंकल जी का. आई थिंक एवरीबडी हैज हर्ड दैट सत्संग, जेठाड़ा अंकल ने इतना प्यारा सत्संग किया है. आई वॉज लाइक ब्लोन अवे आफ्टर लिसनिंग टू जेठाड़ा अंकल सत्संग, दैट वाओ रियली इज दैट पॉसिबल. एंड देन द आंसर कम्स, यू फेल्ट समथिंग ओवर देयर राइट इन बड़े मंदिर, ऑफकोर्स यस इट इज ऑल ट्रू. उसके बाद फिर मैंने लस्सी आंटी का सत्संग, बहुत लोगों ने सुना है, आई थिंक एवरीबडी नोज लस्सी आंटी, मोस्ट ऑफ द पीपल संगत विल नो, उनका सत्संग सुना, बहुत ही प्यारा सत्संग उन्होंने किया. सो आई गॉट रियली हुक्ड टू द सत्संग बेसिकली. फिर मैंने आई थिंक 15-20 सत्संग और देखे. उसके बाद एक दिन रात को फिर से मैं रिपीट लस्सी आंटी का सत्संग सुन रहा हूँ, तो मैंने गूगल पे सर्च मारे कि टैंपा में गुरु परिवार है कि नहीं, एंड एक डेढ़ घंटा यू नो टक्कर मारने के बाद नहीं मिला गुरु परिवार मुझे गूगल पे कहीं पे. डॉक्टर गूगल फेल हो गए. तो मैंने फिर अपनी कजन को टोरंटो में व्हाट्सएप किया कि मैं तो थक गया हूँ, यहाँ तो मिल नहीं रहा है कोई भी गुरु परिवार का मेरे को यहाँ पे, और सत्संग होता ही नहीं होता, आई डोंट नो, कैन यू प्लीज हेल्प मी. तो उन्होंने बोला कि वो टोरंटो संगत के व्हाट्सएप ग्रुप में भी हैं और शिकागो में भी हैं, तो लेट मी फाइंड आउट. 15-20 मिनट्स में वो मेरे को, दिव्या आंटी हैं एक, उनका मैसेज करती हैं, फोन नंबर एंड ऑल, एंड शी सेड इनसे कॉन्टेक्ट करो,
वहां पे गुरु परिवार है और सत्संग भी होता है महीने में एक बार, और मैं तो बस जैसे वो कहते हैं ना भंगड़ा मोड में आ गया कि फाइनली थैंक यू गुरु जी, कि मैं चाहता था कि गुरु परिवार हो यहाँ पे टेम्पा में, बहुत छोटा छोटी जगह है, फ्लोरिडा में इतनी संगत नहीं है, बट एटलीस्ट यहाँ पे है और एक सत्संग भी होता है महीने में. आई वॉज लाइक जंपिंग अप एंड डाउन, बट इट वॉज लाइक 11:30 एट नाइट एंड नाउ आई हैव द पर्सन लाइक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड नाउ I am like thinking, Guruji, what should I do? You know, I want to talk to, you know, Divya aunty, but again, I don't know her and it's 11:30. So what should I do? Phir main socha ki, achha, chalo, shayad main kal unko phone karke poochunga sab details. But phir main Lassi aunty ka satsang dekhne laga. But again, like, you know, mind wahin ja raha hai ki, phone number haath mein hai, WhatsApp mein question poochne mein koi harz nahi hai. Guruji ka message milta hai. Pehle check kar wo online hai ki nahi WhatsApp mein. चेक किया तो ग्रीन सिग्नल आ रहा है कि वो हैं, वो जाग रही हैं, राइट. फिर उन्होंने बोला कि कर दो मैसेज, ज्यादा से ज्यादा होता है मैसेज का आंसर नहीं आएगा, सुबह आएगा, इट्स ओके. सो आई मैसेज हर विद इन 2 मिनट्स, शी सेड हु आर यू एंड ऑल दैट स्टफ एंड आई टोल्ड हर द होल थिंग एंड शी टोल्ड मी दैट कि महीने में एक सत्संग होता है यहाँ पे टैंपा में. सो आई विल लेट यू नो एंड आई विल ऐड यू टू टैंपा ग्रुप एंड फ्रॉम देयर माई जर्नी with Guruji in Tampa, with Guru Parivar, Tampa Guru Parivar started. Pehla satsang attend kiya August mein. Aur August mein pehla attend kiya, bahut achha laga. Aur bahut positive vibrations aur Guruji ki vibes feel hui, bahut achha laga. Aur aap ye dekho, jaise maine aapko bataya ki itna stress tha meri life mein. Unke charno mein baithne se, unka charno ka dhyan karne se, aisa feel hi nahi hota hai ki life mein koi tension hai. Aur wohi mere saath bhi hua. Aur jaise maine aapko kaha ki ye satsang hai ki जब सारे डोर्स क्लोज होते हैं तो गुरुजी ओपन करते हैं, और गुरुजी न्यू एवरीथिंग दैट माय बिजनेस लॉसेस एंड डेट्स एंड माय वर्कप्लेस इज काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इज रियली बैड, राइट. सो नाउ गुरुजी व्हाट ही डज इज, मैंने June 25th से गुरुजी को जुड़ा हूं, पहली बार सत्संग अटेंड किया अगस्त में. October 2018 में गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, काउंटी डिपार्टमेंट, गॉट स्प्लिट इन टू 2 पार्ट्स. एक तो पार्ट जो जिस डिपार्टमेंट में मैं था, और एक नया डिपार्टमेंट गुरुजी ने क्रिएट कर दिया. और ये कोई आसान नहीं होता, और डिपार्टमेंट स्प्लिट नहीं होते हैं इतने इजीली, गवर्नमेंट में चेंजेस इतने ज्यादा नहीं होते हैं, बट यू नो गुरुजी कैन डू एनीथिंग. सो ही स्प्लिट द डिपार्टमेंट इनटू 2 पार्ट्स एंड ही पुट मी इन द न्यू डिपार्टमेंट. सो इन दैट न्यू डिपार्टमेंट आई गॉट अ न्यू मैनेजर, आई गॉट अ न्यू डायरेक्टर, एंड दे आर वंडरफुल पीपल एंड दे आर वेरी टेक्निकल सेवी, दे अंडरस्टैंड एंड दे सपोर्ट टोटली, यू नो. और पुराने डिपार्टमेंट में 15 साल में, यू नो, I was never appreciated for my work, what I brought to the table. I never got a promotion, you know. And it was like kind of very disheartening that you work very hard and you don't get, you're appreciated for your work and you don't get any promotion. So Guruji knows everything, right? So when Guruji starts helping you to come up, December 2018 May, I got a promotion. After like 15 years of hard work, I got the people who appreciate my work. And, you know, and they brought me up. So I became the lead, you know, for my team. And Guruji made me lead a project which is worth $20 million, which I'm still working on. So this is what Guruji does. Jab sare doors close hote hain, Guruji kholte hain aur Guruji aapko niche se uthate hain aur upar leke aate hain. So I was like blown away that, you know, in just couple of months, you know, Guruji is with me. I have no fear, no worries. And now Guruji is guiding me and I'm just following Guruji basically. Aur uske baad February 2019 mein I promised my niece who lives in Toronto that, you know, I will come for your birthday. Ab ye bhi, you know, everything Guruji plans for you, you know. And I started just knowing some of Guru Sangat. I didn't know anybody. So I went to Toronto aur jaise monthly satsang hota hai Tampa mein, there was a satsang and I didn't want to miss, but I had to go to Toronto. So Guruji bolte hain ki don't worry, Toronto mein bhi satsang milega tere ko, you won't miss your satsang. So I found out ki Toronto mein Neeti aunty hain, unke yahan darbar hai, aur wo Saturday ko children special satsang kar rahi hain. Waise every Monday evening unke yahan satsang hota hai. So main bahut khush ho gaya ki thank Guruji, thank you so much, mera satsang miss nahi ho raha hai. I really do never miss any satsangs. So I went to that satsang, aur usually jahan pe bhi satsang pe main jata hu apni family ke sath jata hu, the host has to throw me out of the darbar because I am the last person to leave. I generally don't leave, I just keep sitting
इन गुरुजी शरण एंड डोंट गेट अप। सो जब सब लोग संगत चली गई तो मुझे नीति आंटी से बात करने का मौका मिला। मैंने बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि आप यहाँ से नहीं हो, तो मैंने बताया कि मैं टैंपा परिवार से हूँ और काफ़ी अच्छी बातें हुई। तो क्योंकि मैं नया नया संगत हूँ, आई डिडेंट हैव द बिग स्वरूप्स ऑफ गुरु जी, राइट? सो आई सेड, यू नो, आपके दरबार में तो इतने बड़े बड़े वॉल साइज के, यू नो, गुरु जी के इतने प्यारे प्यारे स्वरूप हैं, तो आपने कहाँ से लिए? तो उन्होंने बताया कि एक संगत है जो गिफ्ट करा जिन्होंने, और उनके थ्रू ही सब लगे हुए हैं। उनके फादर वहां पे बैठे हुए थे, तो मैं यही शेयर कर रहा था कि एक प्यारा सा स्वरूप है गुरु जी का, व्हाइट चोले में गुरु जी बैठे हुए, वो मेरा फेवरेट है, और मुझे उसका HD इमेज अगर मिल जाएगा, देन आई विल ब्लो इट अप एंड मेक अ बिग, यू नो, स्वरूप, एंड एंड आई दैट इज व्हाट आई वांट, बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग मच अबाउट गुरु जी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू नो नाउ, राइट? वो कहते हैं अच्छा कौन सा स्वरूप है। मैंने कहा ये देखो मेरे फोन में वॉलपेपर है, वो मैंने दिखाया उनको। तो उन्होंने बोला कि लेट मी सी इफ आई हैव इट और नॉट। तो जैसे वो ढूंढ रहे हैं अपने फोन में स्वरूप, उनका जो फोन का जो कवर है उसके बैक साइड में वो ही स्वरूप लगा हुआ है। जो जितनी भी संगत, 3-4 लोग वहां बैठे थे, उन्होंने बोला अंकल आपके जो कवर है फोन का उसके बैक साइड में देखो, वो देखा तो एग्जैक्टली वही था। सो थिंक अबाउट लाइक इट्स अ कोइंसिडेंस, नो इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स ऑल प्लान बाय गुरु जी। हाउ इज इट पॉसिबल दैट द स्वरूप आई लव ही इज हैविंग, यू नो, इन द सेम फोन इन द बैक साइड ऑफ द कवर, एंड इवन ही डिडंट नो दैट। सो देन ही सेड ओके लेट मी टेक अ पिक्चर, ही टुक द पिक्चर एंड ही सेंड इट टू हिज सन टू फाइंड आउट इफ ही कैन फाइंड द HD वॉलपेपर। 5 मिनट्स He sends back the message that just tell Vikas uncle that I will get him the swarup and he can pick it up Sunday. Sunday एक और जगह पे सत्संग था, तो मैंने बोला अंकल मैं संडे को तो सत्संग अटेंड नहीं कर पाऊंगा, बट मंडे शाम को मैं इधर आऊंगा। तो उन्होंने बोला कि अंकल आप आइए, आपको यहाँ पे गुरु जी का स्वरूप ब्लेस किया हुआ आपको हम दे देंगे, मैं दीति आंटी को दूंगा, वो आपको दे देंगी। I was like very, very happy and I was thanking Guruji for that. So as soon as I stepped in the darbar, you know, on Monday, Niti Aunty said, aapka jo swarup hai, wo Guruji ke darbar mein rakha hai blessings ke liye, aur aap lena nahi bhulna, aur aapko wo leke jana hai. Theek hai, satsang finish hua. You know, the amazing thing in that satsang is that the impossible things, Guruji makes it possible. And this is the perfect example of one of those. Ek uncle aunty, unki 50th anniversary wahan pe celebrate ho rahi thi. उनके पास, नीति आंटी के पास उस समय कोई रियल फ्लावर्स की कोई माला नहीं थी जयमाला करने के लिए। सो दे हैड आर्टिफिशियल फ्लावर्स, यू नो, माला, दे यूज्ड दैट फॉर जयमाला इन ड्यूरिंग द सत्संग, आफ्टर द सत्संग बेसिकली। एंड वो फिर उन्होंने माला जो है वो गुरुजी के चरणों में रख दी, और उनका दरबार जो है बेसमेंट में भी है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे भी है, बट बेसमेंट में हम लोग बैठे थे, मेन दरबार वही है। फिर उन्होंने वो माला लेके गुरुजी के एक स्वरूप पे जो स्टेयर्स के बिल्कुल साथ में था वहां पे रख दी। सबको जाने के बाद जब हम जा रहे हैं, तो हम लोग जब ऊपर जा रहे हैं, 2 घंटे का सत्संग था। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर, आई थिंक यू गाइज विल नो इट बेसिकली। 2 घंटे का सत्संग था और 2 घंटे गुरुजी की फ्रेग्रेंस नॉन स्टॉप वहां पे थी, और वहां पे इतनी स्ट्रांग वाइब्रेशन थी दैट आई कैन नॉट इवन टेल, इट वॉज एज स्ट्रांग एज इवन बड़े मंदिर। आई नो इट इज अ सरप्राइज, बट इट वॉज लाइक दैट ऑन दैट डे। गुरु जी की फ्रेग्रेंस बे इंतहा 2 घंटे। फिर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, तो हमने वही यू नो फूलों की माला, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स की माला थी, वो गुरु जी के स्वरूप पे देखी। तो नीति आंटी ने वैसे ही उसको स्मेल किया, और उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, अनबिलीवेबल। तो उन्होंने वो दोनों माला, एक मेरी भाभी को और एक मुझे, वो दी हमारे को, और हमने भी स्मेल किया, बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस गुरुजी की उसमें से आ रही थी, आर्टिफिशियल फ्लावर में से, नॉट अ जोक, रियल थिंग। हम लोगों ने वो माला ली और बहुत बहुत शुक्राना किया नीति आंटी का। हम लोगों ने Airbnb ले रखा था 1 वीक के लिए टोरंटो में, और 3 दिन तक उस माला में से पूरे Airbnb में हमारा जो सेक्शन था उसमें गुरुजी की फ्रेग्रेंस थी फॉर 3 डेज। आप किसी को भी बताओगे आर्टिफिशियल फ्लावर्स की माला में से 3 दिन तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस कैसे आती है, ओनली गुरुजी नोज बेसिकली। और फिर जुलाई 2019 आई गॉट आउट ऑफ ऑल द बिजनेस डेट्स बिकॉज ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी मेड इट हैपन, आई केम आउट ऑफ द डेट। एंड ऑल्सो एक जो टेम्पा परिवार का गुरुजी की संगत है, उन्होंने बोला कि आपको, मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया है, एंड दैट वाज इन अगस्त 2019 सत्संग, कि आपको मैसेज दिया है कि आपको अक्टूबर में एक और प्रमोशन मिलेगी। मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक मिली है लास्ट ईयर,
अभी एक और गवर्नमेंट में इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशन नहीं मिलती हैं. एंड आई सेड जो हुक्म जो गुरुजी ने बोला है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द मैसेज. एंड वी जस्ट स्टार्टेड. सो सितंबर में भी सत्संग हुआ और अक्टूबर में भी सत्संग हुआ. अक्टूबर 30th ऑफ 2019 आई गॉट अनदर प्रमोशन. एंड गुरुजी नोज इट. गुरुजी गिव्स अ मैसेज टू संगत एंड यू गेट द मैसेज. आई गॉट सेकेंड, यू नो, लाइक 2 years इन अ रो आई गॉट अ प्रमोशन, विच इज kind of not normal thing in a government organization. And my son, like I have a son who is like 21 year old and he is doing college basically. So 2019 spring mein usne ek subject jo hai statistics ka wo liya college mein aur pehla test hua. He is very hard working kid and pehla test hua he didn't do well. Before that he did very well with all the subject, but that subject somehow didn't work out. So he got 37 and he failed in the first exam. And so I talked to him and I said, you know what, I think you need to work hard and maybe it's a new subject and you're not getting it, so pay some more attention. He worked very hard. Second test he got 35. So 2 tests in a row he failed. And so I went to meet his professor, and that was an Indian guy. So I went to talk to him so that we can help, you know, my son in whatever difficulty he's having, so that he can give some extra classes or extra time so that he can understand the concepts and all. But instead of helping my son, this gentleman says that, you know, I think your son is not getting this subject and maybe he's not getting the concepts right. So I think you need to get him dropped and enroll into another course, basically, you know. I think he's not getting it. So I said, sir, can you help him? Can you give some extra time to him and see what his issues are so that we can resolve those issues and he can succeed? And he told me that, you know, I know he's your son and you want to help, but looks like with his scores, he's not getting the concepts. This course, statistics, is not for him. And I was really disappointed and disheartened that, you know, professor is saying that. But I said, okay, no worries. I will work with my son. I'm not going to get him dropped out of this course. I will work with him. So that day I came back and I prayed to Guruji that, Guruji, you know, my son is a hardworking kid and you know that, and he's not getting any help. So now we have only you to help and there is nobody else. So please help him. I prayed to Guruji, and Guruji, you know, he made my son think about checking out some tutoring and extra help in the library. He never went to library. He never studied in library. He always studies at home. So somehow he said, you know what, let me check out the library. And it's all Guruji put the thoughts, you know, into my son's mind, you know, so let's try this out. So the next day he goes to the library and he finds out that there are tutors for statistics, and he started working with them. And with Guruji's blessings, third test, he got 86, you know. Now you can think that the guy who got 37 in first test, 35 in second test, how he can get 86, Guruji can make it happen. Guruji can, there is no impossible word. It's always, everything is possible for Guruji. 86 he got in the second. Third test, he got 79. So now it's time for the finals. And in finals, we calculated the things that he needs 84. If he gets below 84, he's gonna fail and he has to retake that class. So I started praying to Guruji, please, this is the final one. And you know, we need more than 84. And please help him. And if he fails in this class for the first time, you know, it's like not going to work for him. He will be disheartened. So he got 93 in the final and he passed. And then I went to see another professor for calculus in the next semester, and I wanted to talk to him about my son. But before, you know, I can say hello and hi and more than that, the old professor for statistics, he came into our room and he congratulated me and told me about my son, and told even the new professor for calculus how good Shikhar is, my son is, and you know, and he's very hardworking and what he achieved in statistics. So it's all Guruji, what he does. So excuse me, uncle. Excuse me. Sorry to interrupt. I just wanted to let you know that we have 9 minutes sure left. I'm sorry. No. It's okay. I'm just going to now try to wrap up faster. You know, on 2019 Thanksgiving time, I got a very good deal for India. I wanted to visit my parents, so I booked the tickets for February 3rd. But on 30th of January, my brother called me from India and said, Daddy's no more, so you need to come. So I missed just like by 4 days. And this is a satsang where
you know, we know that, you know, Guruji is our father and mother and how he takes care. So I basically went to India and I was very disheartened and could not believe that my dad is no more. And I was going for a vacation in just 4 days and the whole thing changed basically. I was very like low in emotional down and kind of depressed and all that stuff. So after all the rituals were done, Guruji, you know, invited me to Empire State Mandir. And I always dreamt of that, you know, one day I want to visit Empire State Mandir because that is where Guruji spent most of his time. And I wanted to really go there, and all the Sarups have a Sihasan where he sits, and that Sihasan is in Empire State Mandir. So Guruji invited me to Empire State Mandir on 17th of Feb. So the first time when I went, I entered the darbar. The fragrance was amazing, very strong, unbelievable. So I matha tekne ke baad hum mere ko piche jagah mili, baithne ke liye aage jagah nahi mili. So I sat there. एंड प्ले लिस्ट चल रही थी जैसे नॉर्मल सत्संग में हम लोग चलाते हैं, बट एकदम से अराउंड 6 o'clock प्ले लिस्ट स्टॉप और एक पाठी जी ने एक लाइन बोली. तो मैंने सुना तो मुझे लगा कि शायद कोई तो अभी ये शब्द गा रहा है. सेकेंड लाइन सुनी तो मुझे पता लगा कि मेरे जो फेवरेट पाठी हैं, रागी हैं, भाई ओंकार सिंह जी ऊना वाले, ही इज सिंगिंग. एंड जनरली यू नो वहाँ पे सत्संग कभी कभी होता है. उस दिन स्पेशल सत्संग था भाई ओंकार सिंह जी, जिन्होंने गुरु मेरे संग सदा है नाले, रहम तेरी सुख पाया, लॉट ऑफ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल शब्द ही सिंग्स. ही डिड द लाइव सत्संग फॉर 2 hours एट एम्पायर स्टेट मंदिर एंड दैट वॉज एन अमेजिंग, अ वेरी डिवाइन इवनिंग, अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस इन टोटैलिटी. आफ्टर दैट मैंने सत्संग में सुना है कि जब आप बड़े मंदिर जाते हैं, लंगर के लिए जाते हैं, वहाँ पे 4 लोगों को गुरु जी बिठा के लंगर खिलाते हैं. आई नेवर हैड दैट एक्सपीरियंस. सो दैट डे I was told by other Sangat that there is a special langar. And जैसे ही सत्संग फिनिश हुआ, वहाँ पे रग्स बिछाए गए और वहाँ पे 3-4 लोगों को एक ही थाली में खिलाया गया. और मैं बहुत पीछे था, मुझे लेके गए थे यू नो एम्पायर स्टेट मंदिर, उन्होंने बुलाया. I had that langar. और अगेन जैसे कहते हैं गुरु जी अपने आप खिलाते हैं आपको, तो बाकी दोनों संगत ने बोला थोड़ा थोड़ा खाने के बाद ये सब आपको फिनिश करना है. और गुरु जी मेड मी ईट लाइक आई वॉज लाइक टिल हियर, बट आई समहाउ मैनेज इट. बट अगेन जो लस्सी आंटी के सत्संग में कम से कम 3-4 बार 8 बार सुना मैंने, वही लस्सी आंटी मेरे लेफ्ट में बैठ के लंगर प्रसाद खा रही हैं. दैट वॉज लाइक अ बिग कोइंसिडेंस. ऑन टॉप ऑफ दैट किरण सूद आंटी जो हैं, उनसे मिलने का मौका मिला. उनके घर में गुरुजी 1 साल तक चंडीगढ़ में रहे और बहुत प्यार वाली हैं. उन्होंने मुझे सुधा आंटी से मिलवाया जो एम्पायर स्टेट मंदिर में रहती हैं और उनका ही वो है. गुरुजी से मोस्टली टाइम स्पेंड किया है. बहुत प्यार से सुधा आंटी ने यू नो हक दिया और प्यार से मिले. उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक रूम में जो बैक साइड है, वहाँ पे लाइन लगी हुई थी संगत की. तो मैंने पूछा आंटी से कि आंटी ये लाइन किस चीज की है, तो उन्होंने बोला ये गुरुजी का रूम है जहाँ गुरुजी रहते थे और मेडिटेशन वगैरह करते थे. तो वहां पे एक सेवादार आंटी खड़ी हुई थी जो किसी को अंदर नहीं जाने दे रही थी. यू कैन जस्ट पीक एंड सी ऑल द आइटम्स एंड एवरीथिंग, ऑल द बिलोंगिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज, एंड देन यू जस्ट कम आउट मत्था टेक के वहीं से. तो जैसे ही 2 संगत हमारे आगे थी और हम लोग सब रेडी थे कि बस मत्था टेकेंगे और देखेंगे अंदर दर्शन और हम लोग बाहर निकलेंगे, तो एकदम से सुधा आंटी आती हैं, मेरा राइट हैंड पकड़ती हैं और मुझे गुरुजी के रूम के अंदर ले जाती हैं. किरण आंटी को भी और मेरे साथ एक और रितु दी थी उनको भी. और हम अंदर जाते हैं, सब लोग संगत बाकी सब देख रही है. वहाँ पे मैं नीस पे बैठ जाता हूँ एंड आई एम क्राइंग आउट लाउड बिकॉज आई डोंट बिलीव इट दैट कि जो मैं सोच रहा था कि सिर्फ मत्था टेक के बाहर से हम लोग आ जाएंगे, गुरुजी इन्वाइटेड इनसाइड द रूम. एंड आई एम लाइक क्राइंग. एंड फिर सुधा आंटी ने बहुत सारे हग्स दिए, बहुत प्यार किया, चुप कराया और फिर सारी बिलोंगिंग्स दिखाई, गुरुजी की जुतियाँ और चोले और उनके खाने का यू नो जो प्लेट वगैरह, थाली वगैरह और सारी सब कुछ. और जब मैं उठा, मैं आई स्टॉप क्राइंग, तो सुधा आंटी ने एक छोटा सा वाइट पैकेट मेरे हाथ में रखा और बोला ये गुरुजी का हुक्म है आपको देने के लिए. तो मैंने देखा वो वाइट सा छोटा सा पैकेट है, तो मैंने बोला आंटी ये क्या है, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस वर्ल्ड ऑफ गुरुजी, राइट. तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है और हुक्म हुआ है आपको देने के लिए. तो उन्होंने एक पैकेट मुझे दिया और एक ऋतु दी को दिया जो हमें लेके गई थी वहाँ पे. एंड आई वॉज लाइक ब्लोन अवे कि जिन चीज़ों के बारे में हमने सिर्फ सुना है सत्संग में, गुरुजी ने वो ब्लेस किया. आई सैट अगेन एंड आई क्राइड.
और आप सोचो कि जहां पे अंदर आने की अनुमति नहीं है गुरुजी के रूम में, 20 मिनट तक गुरुजी ने वहां बिठाया और बहुत प्यारे दर्शन दिए अपने, और फिर हम लोग आए और मुझे लगा कि वो फर्स्ट एंड लास्ट विजिट ही है, बट फिर सुधा आंटी ने कहा कि शिवरात्रि का स्पेशल सत्संग है 20th of February को यहाँ पे थर्सडे को, तो आप प्लीज़ दोबारा आइए। तो हम लोग दोबारा गए और बहुत प्यारा और लाइव सत्संग था उस दिन भी, बहुत प्यारा था। उस दिन भी गुरुजी ने बहुत प्यार किया, जब 2-3 मिनट से ज़्यादा किस संगत को बैठने नहीं दे रहे थे वहाँ पे, हमारे को गुरुजी ने 20 मिनट तक आराम से दर्शन दिए, वो भी गुरुजी का बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग्स। सो दीज आर द थिंग्स लाइक यू नो, लाइक कहाँ भी मेरा डिप्रेसिंग काइंड ऑफ विजिट था और मैं बहुत सैड था, कहाँ गुरुजी ने बहुत प्यार दिया। फिर हम लोग 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का इवेंट था, तो बड़े मंदिर मथा टेकने के लिए गए, वहाँ पे भी गुरुजी ने फ्रंट में बिठाया और 20-25 मिनट बहुत प्यारे दर्शन दिए। और फिर गुरुजी के गुरुजी ने हम लोग पंजाब ट्रिप पे गए, तो वहाँ पे सुखी आंटी और सुखमनी आंटी जो गुरुजी से रहती थी, और उन्होंने बुक भी लिखी है यू नो सरचार्ज विद डिवाइन लव, जनरली वो 2-2.5 घंटे का सत्संग करती हैं संगत के साथ, 6.5 आवर्स का सत्संग बख्शा गुरुजी ने, और वो गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद बनाती थी, उन्होंने 2 बार चाय प्रसाद दिया और लंगर प्रसाद भी अपने हाथ से बना के खिलाया और गुरुजी की बिलोंगिंग्स दिखाई, और गुरुजी ने फिर जलंधर मंदिर में भी इन्वाइट किया और बहुत प्यार दिया, और वहाँ पे भी हमारे को किसी ने नहीं उठाया, बिल्कुल फ्रंट में गुरुजी ने दर्शन दिए। तो मतलब जो मेरा पूरा ट्रिप जो एकदम सैड था, वो गुरुजी ने इतना प्यार और यू नो ब्लेसिंग्स दी कि मतलब मेरा मतलब आई वाज लाइक ब्लोन अवे, कि जो हम सुनते हैं कि गुरु यू नो आप एक कदम लो गुरु 10 कदम आगे जाता है और इतना प्यार करता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो रियलिटी में गुरुजी ने पूरा मेरा जो ट्रिप था वो एकदम डिवाइन कर दिया। और आई विल से लाइक यू नो इट वाज जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस। अभी गुरुजी के साथ सिर्फ जर्नी शुरू हुई है, आगे बहुत जाना है। तो ये कुछ सत्संग है, बाकी कुछ सत्संग जो हैं जो सुखी आंटी ने शेयर किए वो फिर कभी मौका जब गुरुजी यू नो हुक्म करेंगे तो वो शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और गुरुजी के चरणों में यही विनती और प्रार्थना है कि अगर कोई भूल चुक हुई हो तो माफ़ करना, टाइम इज रनिंग आउट एंड बट यू नो आवर जर्नी इज गोइंग टू कंटिन्यू एंड होपफुली व्हेन ही ब्लेसेस, व्हेन ही गिव्स मोर हुक्म यू नो आई विल शेयर सम मोर सत्संग्स। जय गुरुजी।